मुखिया ने शंख और चारूर जैसे पहलवानों को पांच पत्थर के बराबर कर दिया। भगवान कन्हैया जब भोजराज कंस के सामने पहुंचे तो भोजराज कंस सोचने लगा कि यहाँ से भाग, लेकिन इसने थोड़ी हिम्मत बांध करके महाराज तलवार को उठा लिया और इधर उधर घुमाने लगा है। भगवान कन्हैया कूद गए और जैसे ही भगवान कन्हैया को मार के चलो, भगवान कन्हैया आकाश मार्ग में उड़ गए और एक लाख जाके सर पे दई और भगवान कन्हैया जाके छाती पे बैठ कर जवाब दिया, मामा हमारी बात सुनो। बालों को पकड़ लिया भगवान कन्हैया ने। परीक्षित महाराज भगवान कन्हैया भोजराज कंस से कहने लगे कि मार दिया जाए मामा जी, या छोड़ दिया जाए। आकर परीक्षित महाराज मत दे कि छोड़ दे, छोड़ दे, तुम्हें बड़ो तरस आए रो कंस को कि मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। और बोल पापी कंस तेरा क्या किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। बोल पापी कंस तेरा क्या किया जाए। भोजराज कंस की दोनों पत्नियां अस्थि और प्राप्ति रोने लगी। भगवान कन्हैया ने भोजराज कंस के शरीर को अंतिम संस्कार कर दिया और इधर में अपने पिता वसुदेव नाना उपसेन मैया देवकी को कारागार से निकाला। और इधर महाराज क्या हुआ, आज अस्थि और प्राप्ति मगध के राजा जरासंध की बेटियां थी। जरासंध से कहा जाकर के पिताजी आप इतने बलशाली योद्धा हो और आपके सामने आपकी बेटी विधवा हो गई और आपने हमारे दुश्मन को जीवित छोड़ दिया। तो महाराज आज जरासंध ने मथुरा पर धाबा बोल दिया और जब मथुरा पर धाबा बोल दिया तो भगवान कन्हैया सब परिवार के सहित द्वारिका में रहने के लिए चले गए। उसी दृश्य भगवान कन्हैया को द्वारिकाधीश कहा जाता है। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। और रात्रि की कथा में बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं होगी, हमारी छोटी बहन के माध्यम से आप लोग कथा को श्रवण करेंगे। रात्रि में कथा होगी रुक्मणी विवाह, सुदामा चरित्र, परीक्षित मोक्ष। परीक्षित मोक्ष के लिए सामान लेके आइयो, हम तो जा रहे, हमारी लली है जाएं। ठीक है, और कुछ दानदाताओं के नाम है। अरे परम दगो
महाराज इस तरीके से भगवान कन्हैया ने भोजराज कंस का अंत किया। भोजराज कंस का अंत करने के बाद में जरा सिंध से युद्ध करने के बाद भगवान कन्हैया द्वारिका में रहने लगे हैं। और आइए इन्हीं शब्दों के साथ में वाणी को विराम है। दो शब्द चलते चलते आप लोगों से कहना चाहूंगी कि इन पांच दिनों में हमसे कोई भी गलती हुई हो तो छोटे छोटे बच्चे समझ करके क्षमा कर देना। महाराज